हेलो एंड वेलकम टू फेवरेट पॉडकास्ट चैनल नॉलेज अप। फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश सिखाने वाला हूं। ये स्पेशली इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, मैं सेंटेंसेस के माध्यम से इंग्लिश सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड में। मैं आपको खुश कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग यू हैप्पी। मैं आपको खुश कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग यू हैप्पी। मैं आपको खुश कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग यू हैप्पी। मैंने आपको खुश किया। आई मेड यू हैप्पी। मैंने आपको खुश किया। आई मेड यू हैप्पी। मैंने तुम्हें दुखी किया। आई मेड यू सैड। मैंने तुम्हें दुखी किया। आई मेड यू सैड। आप मुझे दुखी कर रहे हैं। यू आर मेकिंग मी सैड। आप मुझे दुखी कर रहे हैं। यू आर मेकिंग मी सैड। मैं खुश हो गया। आई गॉट हैप्पी। मैं खुश हो गया। आई गॉट हैप्पी। मैं खुश हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग हैप्पी। मैं खुश हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग हैप्पी। मैं दुखी हो गया। आई गॉट सैड। आई गॉट सैड। मैं दुखी हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग सैड। आई एम गेटिंग सैड। मैं उसे खिला रहा हूँ। आई एम मेकिंग हिम ईट। मैं उसे खिला रहा हूँ। आई एम मेकिंग हिम ईट। मैं आपको खिला रहा हूँ। मैं आपको खिला रहा हूँ। आई एम मेकिंग यू ईट। लेकिन जब कहा जाए कि मैं आपको अपने हाथों से खिला रहा हूँ, तब आप कहेंगे आई एम फीडिंग यू। मैं आपको अपने हाथों से खिला रहा हूँ। आई एम फीडिंग यू। मैं अपनी गाय को खिला रहा हूँ। आई एम फीडिंग माई काव। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम सर्विंग माई काव। मैं सभी को खिला रहा हूँ। आई एम सर्विंग ऑल। मैं सभी को खिला रहा हूँ। आई एम सर्विंग ऑल। मैं सभी को खाना दे रहा हूँ। आई एम सर्विंग फूड टू ऑल। मैं सभी को खाना दे रहा हूँ। आई एम सर्विंग द फूड टू ऑल। मैं सभी को खाना खिलवा रहा हूँ। आई एम गेटिंग द फूड सर्व टू ऑल। मैं सभी को खाना खिलवा रहा हूँ। आई एम गेटिंग द फूड सर्व टू ऑल। मैं शर्ट पहन रहा हूँ। आई एम पुटिंग द शर्ट ऑन। मैं शर्ट पहन रहा हूँ। आई एम पुटिंग द शर्ट ऑन। मैं सभी को खाना खिलवा रहा हूँ। आई एम गेटिंग द फूड सर्व टू ऑल। मैं अपने छोटे भाई को शर्ट पहना रहा हूँ। आई एम मेकिंग माई यंगर ब्रदर वियर द शर्ट। मैं अपने छोटे भाई को शर्ट पहना रहा हूँ। आई एम मेकिंग माई यंगर ब्रदर वियर द शर्ट। मैं सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग। क्या आप सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। आई एम मेकिंग यू लर्न। आई एम मेकिंग यू लर्न। जब किसी को सिखाने की बात होती है, किसी से कुछ करने की बात होती है, तो उसका यूज़ करते हैं मेक का यूज़ करते हैं। लाइक मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू लर्न। नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर कहा जाए कि गिलास को उल्टा रख दो, टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। गिलास को उल्टा रख दो, टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। मैं किताब को उल्टा रख रहा हूँ। आई एम पुटिंग द बुक अपसाइड डाउन। मैंने किताब को उल्टा रख दिया। I turned the book upside down. मैंने गिलास को उल्टा रख दिया। I put the glass upside down. उल्टा रखने का अगर कहा जाए तो upside down। अगर वही कहा जाए सीधा तो right side up, उसका हम यूज़ करेंगे। जैसे अगर कहा जाए गिलास को सीधा कर दो, turn the glass right side up. Turned the glass right side up. किताब को सीधा कर दो, टर्न द बुक राइट साइड अप। टर्न द बुक राइट साइड अप। और आगे कहा जाए, तुमने किताब उल्टी पकड़ रखी है। यू हैव हेल्ड द बुक अपसाइड डाउन। तुमने किताब उल्टी पकड़ रखी है। यू हैव हेल्ड द बुक अपसाइड डाउन। मैंने गिलास को उल्टा पकड़ रखा है। आई हैव हेल्ड द ग्लास अपसाइड डाउन। आपने कप उल्टा पकड़ रखा है। You have held the cup upside down.
आपकी चप्पलें उल्टी पड़ी हैं, योर स्लीपर्स आर लाइंग अपसाइड डाउन। अब घर में कहते हैं ना, कभी किसी की चप्पल उल्टी पड़ी होती, मम्मा कहती है ना, बेटा योर स्लीपर्स आर लाइंग अपसाइड डाउन, मैं आपको हंसा रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू लाफ। अगर कहा जाए मैं हंस रहा हूँ, आई एम लाफिंग, बट मैं आपको हंसा रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू लाफ, मेरी वजह से आप मुस्करा रहे हो, आई एम मेकिंग यू स्माइल। मेरी अगर कहा जाए मैं आपको हंसा रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू लाफ, अगर कहा जाए कि आप मेरी वजह से मुस्करा रहे हो, तो आप कहेंगे आई एम मेकिंग यू लाफ, आई एम मेकिंग यू स्माइल, मैं आप मेरी वजह से मुस्करा रहे हैं, यू आर स्माइलिंग बिकॉज ऑफ मी। ये बहुत पुराना हो गया, लेकिन अगर हम इसको सीधा सीधा शॉर्ट सेंटेंसेस में कहें तो कहेंगे आई एम मेकिंग यू स्माइल, आप मेरी वजह से मुस्करा रहे हैं, आई एम मेकिंग यू स्माइल, मैं समझ रहा हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूँ। अगर सीधा सीधा इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आप कहेंगे आई एम अंडरस्टैंडिंग, नो स्टैंडर्ड जो है उसको कहेंगे आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ, यह मैं समझ रहा हूँ, समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझा रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, राम मुझे समझा रहा है, राम इज मेकिंग मी अंडरस्टैंड। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत सारे इंग्लिश वर्ड को आप सीख सकते हैं, और यकीनन बीच बीच में मैं और भी बहुत अच्छे अच्छे शब्द, बहुत अच्छे सेंटेंसेस आपको सिखाऊंगा। आप सुनते रहिए नॉलेज हब, आपका फेवरेट पॉडकास्ट चैनल, और जिसके माध्यम से आप इंग्लिश सीख सकेंगे बहुत अच्छे से। तो शुरू करते हैं, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, अगले कुछ सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, आप उनको लर्न कर सकते हैं आप, और अपने डेली लाइफ में उनको यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ भी करिए, बिकॉज यू विल लर्न ओनली बाय स्पीकिंग। इफ़ यू डोंट स्पीक, यू विल नेवर बी एबल टू लर्न इंग्लिश, बिकॉज लर्निंग बाय स्पीकिंग, लर्निंग बाय लिसनिंग एंड लर्निंग बाय डूइंग, दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर लर्निंग एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट यू वॉन्ट टू हैव योर हैंड्स ऑन। तो आगे बढ़ते हैं, मैं बहुत पढ़ता था ताकि अच्छे नंबर ला सकूँ, मैं बहुत पढ़ता था ताकि अच्छे नंबर ला सकूँ। आई यूज टू स्टडी अ लॉट सो एज टू स्कोर गुड मार्क्स, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई यूज टू स्टडी अ लॉट इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, आई यूज टू स्टडी अ लॉट सो दैट आई कुड स्कोर गुड मार्क्स। सो दैट का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद आपको कुड लगाना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू भी कर सकते हैं, या सबसे अच्छा है सो एज टू, इट लुक्स अ लिटिल बिट मॉडर्न और ऑफ स्टैंडर्ड साइज। मैं बहुत पढ़ता था ताकि अच्छे नंबर ला पाऊँ, आई यूज टू स्टडी लॉट सो एज टू स्कोर गुड मार्क्स, आई यूज टू स्टडी लॉट सो दैट आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, आई यूज टू स्टडी लॉट इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स, उसने मेरा साथ दिया ताकि मैं भी उसका साथ दूँ, ही सपोर्टेड मी सो दैट आई सपोर्ट हिम टू, ही सपोर्टेड मी सो एज टू रिसीव माई सपोर्ट टू, उसने मेरा साथ दिया ताकि मैं भी उसका साथ दे सकूँ, ही सपोर्टेड मी सो एज टू रिसीव माई सपोर्ट, ही सपोर्टेड मी सो दैट आई सपोर्ट हिम टू, समझ आ रही है क्या बोल लूँ, मैंने उसका साथ दिया ताकि वो मेरा साथ दे सके, आई सपोर्टेड हिम सो एज टू रिसीव माई सपोर्ट, ही सपोर्टेड मी सो दैट आई सपोर्ट हिम टू, लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग हो गया, फिर मैं रिपीट करता हूँ, उसने मेरा साथ दिया ताकि मैं भी उसका साथ दूँ, ही सपोज्ड मी सो एज टू रिसीव माई सपोर्ट टू, ही सपोर्टेड मी सो दैट आई सपोर्ट हिम टू। आगे बढ़ते, उसने मेरी बात को जोड़ तोड़ कर आपके सामने रखा, ही मैनिपुलेटेड माई वर्ड्स एंड कन्वे टू यू, उसने मेरी बात को जोड़ तोड़ कर आपके सामने रखा, ही मैनिपुलेटेड माई वर्ड्स एंड कन्वे टू यू, उसको ऐसे कह सकते हो, उसने मेरी बात को जोड़ तोड़ कर आपके सामने रखा, ही मैनिपुलेटेड माई वर्ड्स एंड कन्वे टू यू,
आपने अपनी कमाई और खर्चों को हेर फेर करके अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर दिखाया है। यू हैव मैनिपुलेटेड योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू शो योर परफॉर्मेंस बेटर। आपने अपनी कमाई और खर्चों को हेर फेर करके अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर दिखाया है। यू हैव मैनिपुलेटेड योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू शो योर परफॉर्मेंस बेटर। आगे बढ़ते हैं। ये आपके बच्चे के लिए अनुकूल माहौल नहीं है। दिस इज नॉट कंडूसिव एटमोसफियर और कंडूसिव इन्वायरमेंट फॉर योर चाइल्ड। यह आपके बच्चे के लिए अनुकूल माहौल नहीं है। दिस इज नॉट ए कंडूसिव इन्वायरमेंट फॉर योर चाइल्ड। कंडूसिव इन्वायरमेंट मीन्स अनुकूल माहौल। दिस इज नॉट ए कंडूसिव इन्वायरमेंट फॉर योर चाइल्ड। रोज एक्सरसाइज करना हमारे दिमाग और बॉडी के लिए अनुकूल है। टू एक्सरसाइज एवरी डे इज कंड्यूसिव फॉर आर बॉडी एंड ब्रेन। टू एक्सरसाइज एवरी डे इज कंड्यूसिव आर बॉडी एंड ब्रेन। फ्रेंड्स, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस पॉडकास्ट, सो कीप लिसनिंग, हैव ए नाइस डे एंड आई एम कंटिन्यूइंग। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप इस पॉडकास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। आगे बहुत कुछ है सीखने के लिए, सो ट्यून इन टू दिस पॉडकास्ट एंड कंटिन्यू लर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपका विश्वास और व्यवहार काफ़ी हद तक आपकी परवरिश पर निर्भर करता है। योर नेचर एंड बिहेवियर लार्जली डिपेंड्स ऑन योर अपब्रिंगिंग। योर नेचर एंड बिहेवियर लार्जली डिपेंड ऑन योर अपब्रिंगिंग। आपका व्यवहार, आपका स्वभाव आपकी काफ़ी हद तक आपकी परवरिश पर निर्भर करता है। योर नेचर एंड बिहेवियर लार्जली डिपेंड ऑन योर अपब्रिंगिंग। उनका पालन पोषण विपरीत परिस्थितियों में होता है, यही उन्हें मजबूत बना देता है। देयर अपब्रिंगिंग टेक्स प्लेस इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, दैट्स व्हाट मेक्स देम स्ट्रांग। देयर अपब्रिंगिंग टेक्स प्लेस इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, दैट्स व्हाट मेक देम स्ट्रांग। देयर अपब्रिंगिंग टेक्स प्लेस इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, दैट्स व्हाट मेक्स देम स्ट्रांग। उनका पालन पोषण मजबूत विपरीत परिस्थितियों में होता है, यही उन्हें मजबूत बना देता है। देयर अपब्रिंगिंग टेक्स प्लेस इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, दैट्स व्हाट मेक्स देम स्ट्रांग। भूल के भी कंपनी के नियमों को मत तोड़ना, डोंट डेयर टू ब्रीच कंपनीज रूल्स, डोंट डेयर टू ब्रीच कंपनीज रूल्स। भूल कर भी कंपनी के नियमों को मत तोड़ना, डोंट डेयर टू ब्रीच कंपनीज रूल्स। आगे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत यूजफुल सेंटेंसेस हैं, आप सभी एंजॉय कर रहे हैं मुझे पता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चों को आसपास खेलते देखना टेंशन कम कर देता है। सीइंग द किड्स प्लेइंग अराउंड लिसेंस वंस टेंशन। सीइंग द किड्स प्लेइंग अराउंड लिसेंस वंस टेंशन। बच्चों को आसपास खेलते देखना टेंशन कम कर देता है। सीइंग द किड्स प्लेइंग अराउंड लिसेंस वंस टेंशन। उसने अपनी मेहनत से अपनी गरीबी को अमीरी में बदल दिया। ही चेंज्ड हिज एडवर्सिटी इनटू प्रॉस्पेरिटी विद हिज हार्ड वर्क। ही चेंज्ड हिज एडवर्सिटी इनटू प्रॉस्पेरिटी विद हिज हार्ड वर्क। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में आप कुछ सेंटेंसेस सुन रहे हैं, आप उनको घर में रिपीट करिए, आप उनको राइट डाउन कर सकते हैं ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने अपनी मेहनत से अपनी गरीबी को अमीरी में बदल दिया। ही चेंज हिज एडवर्सिटी इनटू प्रॉस्पेरिटी विद हिज हार्ड वर्क। वो एक आशावादी इंसान है, उसकी सोच पॉजिटिव है। ही इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ही हैज़ अ पॉजिटिव थिंकिंग। ही इज अ ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ही हैज़ पॉजिटिव थिंकिंग। वो आशावादी इंसान है, उसकी सोच पॉजिटिव है। फ्रेंड्स, इस इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट में आप सभी के लिए मैं इंग्लिश और हिंदी सेंटेंसेस में बारी बारी से अल्टरनेटिवली इंग्लिश और हिंदी में सेंटेंसेस लेके आ रहा हूँ ताकि आप उनको समझ सकें, उनको आप लिखिए और उनको प्रैक्टिस करिए। ये आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करेगा। दिस विल हेल्प यू लॉट इन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश लैंग्वेज। मैं आपके अच्छे भविष्य के प्रति आशावादी हूँ। आई एम ऑप्टिमिस्टिक टू हैव ए ब्राइट फ्यूचर।
मैं आपके अच्छे भविष्य के प्रति आशावादी हूँ। आई एम ऑप्टिमिस्टिक टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में जितने भी सेंटेंसेस हैं आप उनको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट को आप मुझे फॉलो करना मत भूलिए। हैव नाइस डे।